लोकतंत्र की हत्या के 100 दिन पूरे होने के विरोध में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। यहाँ रोशनपुरा चौराहे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया जा रहा है और काले झंडे लेकर विरोध जता रही है कांग्रेस। और विधायकों को, जो विधायक जो जिनकी खरीद फरोख्त कर कांग्रेस की सरकार गिराई गई है, उनकी भी पुतले जला रही है। एक साथ जो है ये पुतले जलाए जा रहे हैं, यहाँ देखा जा सकता है। और ये यहाँ पे काले झंडे लेकर विरोध जताया जा रहा है और देखा जा सकता है कांग्रेस के झंडे भी हैं, काले विरोध नारेबाजी भी की जा रही है। और ये जो है, हम बात करते हैं पीसी शर्मा जी से, क्या विरोध है, ये 100 दिन पहले कमलनाथ जी की चुनी हुई सरकार को 22 विधायकों को खरीद के जो सरकार गिराई थी, वो 100 दिन में मध्य प्रदेश बर्बाद हो चुका है। किसान, युवा, हर गरीब आदमी सब, और इसलिए आज यहाँ पर काला दिवस मना रहे हैं। प्रजातंत्र की जो इन्होंने हत्या की उसमें काला दिवस मना रहे हैं, और यहाँ आज पुतला भी हम लोगों ने जलाया है। और निश्चित तौर पर 100 दिन का हिसाब हम मांग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, जो 5 मंत्रियों से चल रही, 12 मंत्री के बगैर कोई भी फैसला नहीं हो सकता, लेकिन फैसले कर रहे हैं। इन सब का हिसाब भारतीय जनता पार्टी उसकी सरकार को देना पड़ेगा। ये कुछ विधायकों का भी पुतला जलाया गया है, पूरे ये देखो, ये बताओ इनको, ये क्या क्या है इनका, ये सब जो बिक गए बिकाऊ लोगों का है, ये टिकाऊ यहाँ बचे हुए हैं, बिकाऊ जो चले गए उनके पुतले जल रहे हैं। ये जो है कांग्रेस अपना तीखा विरोध जता रही है, और जो उन विधायकों का भी पुतला जलाया गया है जो बिक गए हैं, आरोप है कांग्रेस का, जिनकी वजह से कांग्रेस की सरकार गिर गई, और लोग कांग्रेस का आरोप है कि लोकतंत्र की हत्या की गई है। और ये विरोध लगातार उग्र विरोध जारी है, देखा जा सकता है यहाँ। और कांग्रेस लगातार अब भरोसा जता रही है कि जनता इनका जवाब देगी। कैमरामैन दीपक पाटीदार के साथ कौशल किशोर चतुर्वेदी, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।